तो दोस्तों किट्टी जी से हमारी यहाँ तक बात हुई थी कि इनका हमारे पास मैसेज आया था टू टायर्ड गुड नाइट। वो मैसेज इन्होंने रात को किया था पर मेरे पास वो सुबह तक पहुंचा, तो मैंने सुबह इनका रिप्लाई किया इतनी सुबह गुड नाइट वाह। फिर उन्होंने कहा कि अरे नाइट में भेजा था सुबह गया। मैं रिप्लाई करता हूँ कि क्या हाल है किट्टी के, हम मुझे कह रही कि तुम किट्टी। अब मैं मजाक वे में बोल रहा हूँ कि तुम किट्टी मैं किट्टा, लेट्स डू किटन्स। अब फिर इसने भी मजाक करने की कोशिश की बट मजाक थोड़ा डिसरेस्पेक्टफुल था, तो देखना कि मैंने कैसे रिस्पॉन्स किया। इसने बोला कि तुम किट्टी नहीं कुत्ते हो। मैंने बोला वाह क्या मैनर्स है, जब लड़की जो तुम्हारी अगर सामने से डिसरेस्पेक्ट कर रही हो, तुम्हें कुछ ऊटपटांग बोल रही हो या फिर बदतमीजी से बात कर रही हो, चाहे वो कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, चाहे वो कितनी ही मासूम क्यों ना हो, चाहे वो कितनी ही प्यारी क्यों ना हो, चाहे तुम्हारे दिल के करीब क्यों ना हो, पर अगर वो तुम्हारे डिसरेस्पेक्ट कर रही है तो तुम्हें वो बिल्कुल भी नहीं झेलना है। तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखनी है कि इसके आगे कोई नहीं जाएगा, चाहे वो तुम्हारे दोस्त हो, चाहे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, चाहे तुम खुद क्यों ना हो। मैंने इसे बोला वाह क्या मैनर्स है। फिर इसका थोड़ी देर बाद मैसेज आया और उसे तभी रियलाइज हो गया कि इसने कुछ गलत बोला है। मैंने इसे एहसास दिलाया क्योंकि इसने बोला अरे सॉरी, जोक में बोला आपको बुरा लग गया ? सॉरी। अब मैं बोलता हूँ कि अगर लग गया हो बुरा तो क्या करोगी। मुझसे पूछ रही कि क्या करूँ। अब मैंने वापस बात को याद किया और मैंने मजाकिया वे में दोबारा टर्न करने को कोशिश किया और मैंने बोला किटन्स। अब इसका मुंह बनाया उसने तो बोला बोला कुत्ता। इसको और डायल्यूट किया और मैंने बोला चलो वो कर लेंगे। अब कह रही कि यहाँ मैं सोच रही थी कि बुरा लग गया और देखो। इसके बाद मैंने एक शायराना अंदाज में मैसेज किया कि आपसे बुरा लगा के कहाँ जाएंगे, आपसे बुरा लगा के कहाँ जाएंगे, हम दूर भी जाएं तो पास ही आएंगे। कह रही कि अच्छा जी गर्लफ्रेंड को सुनाओ जाके ये सब, उसी को तो सुना रहा हूँ। उठ जाओ दिन हो रहा है, सपने मत देखो, सपने में तो किटन्स भी हो गए हैं किट्टी जी। अब कह रही कि क्या हो तुम। अब भाई इसने देखो गलत लिखा, इसके बाद पकड़ो चीज को और सोचो उस बारे में कि क्या हो सकता है, क्या क्रिएटिव निकल सकता है। इसके बाद मेरे पास कुछ बात करने के लिए थी नहीं, पर मैं इसमें से क्रिएटिव निकालूंगा, खींचूंगा, निचोड़ूंगा। अब मैंने बोला कि टुन भी हो जाऊंगा, नशे में एक बार देख लेना बस आंखों में कुछ देर। अरे यार तुम कहा था, क्या हो तुम, ईयरफोन्स हूँ। हैं क्या ईयरफोन्स हूँ, तुम्हारे ख्यालों में उलझना चाहता हूँ। मोहतरमा कह रहे हैं कि ओ नो मत उलझो प्लीज, ना मुझे उलझाना, कोई पूछ कर थोड़ी उलझता है, मगर आपकी आवाज जैसे जाल है कबूतर को फंसाने का और मैं कबूतर। इतनी तारीफ उफ, काम वाम ना करूं आज। अब लड़की भाई पूरे मजे ले रही है। अरे एक बात बताओ। जी पूछो। कभी खत्म हुआ है आकर जिंदगी में काम, कितने साल के हो गए हो? ऑलमोस्ट 24। तो 24 साल हो गए हैं ना काम करते हुए। अब देखो किस तरीके से क्रिएटिव लाइन और मैसेज कंपोजिशन की गई है ताकि लड़की उसे पढ़े और उसे मजा आए। कभी कभार लंबे मैसेज जो होते हैं लड़की को पसंद नहीं आते, बट मिडिल कन्वर्सेशन में जब टाइम पर रिप्लाई आ रहे हो, लड़की तुम्हारे सारे मैसेज पढ़ रही हो, तब हम बड़े मैसेज कर सकते हैं। नए नए फ्रेश फ्रेश जो निकले हैं चूजे हमारे, वो शुरुआत से ही बहुत बड़े मैसेज भेजना चालू कर देते हैं। लड़की को पहले फ्लो में आने दो, चैट में आने दो, उससे तुम पहले बात कर रहे हो, काफ़ी देर बात हो चुकी है, तब लंबे मैसेज करना लाजमी लगता है। पर बहुत बड़े बड़े मैसेज करते हो तो लड़की बोर भी हो सकती है और तुम्हें रिप्लाई ना भी कर सकती है अगर वो तुम्हारे में इंटरेस्टेड नहीं है और अभी तक तुम कुछ उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाए हो। तो अब मैंने मैसेज किया कि तो 24 साल हो गए हैं ना काम करते हुए, जब 24 साल में नहीं हुआ तो एक सुनहरी शाम में एक प्यारे से शख्स से जब प्यार भरी गुफ्तगु हो रही है तो जिंदगी की भाग दौड़ में थोड़ा सा रुक कर इस इश्क का मजा ही ले लो। हुजूर अब शौक वाला इमोजी बना रही है और बोल रही है आपके बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, मैं बात कहाँ कर रहा हूँ इश्क कर रहा हूँ। ओए हाय कई बार तो मजा आ जाता है। अब कह रही है कि फ्लर्ट का भी, मैं कह रहा हूँ कि सुंदर हो तो अब कुछ भी बोलोगी। हंस रही है और कह रही है यार आप पागल भी हो, गर्लफ्रेंड होगी पक्का आपकी। अब मैंने बोला है ना। उसके बाद फिर इसका रिप्लाई नहीं आया थोड़ी देर तक। फिर मैंने दोबारा मैसेज किया कि रिप्लाई क्यों नहीं आया, क्या हो गया भाई? तो मैंने बोला कि शौक लग गया क्या? कह रही है कि अरे कॉल आ गया था। मैं से पूछ रही कि कौन? मैंने बोला है कोई, आपको क्यों इतना इंटरेस्ट आ रहा है? आई भी ऊपर करके कह रही है कि मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, मत बताओ मुझे क्या। मैंने बोला ओ, इसने भी ओ किया था ना पहले, उसके बाद मैंने इसको भी ओ कर दिया। दिस इज अ वे ऑफ टीजिंग। जब तुम रियल लाइफ में भी किसी लड़की से बात कर रहे हो तो जिस तरीके से वो बात करती है तुमसे, उसी के डायलॉग कई बार उसे चढ़ाने के लिए मारे जाते हैं। टीजिंग वाली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था, टीजिंग वाली वीडियो का लिंक ऊपर डाल दूंगा आई बटन में, देख लेना, बहुत जबरदस्त वीडियो है। अब हंस रही है। उसके बाद मैंने इसे बोला उसका नाम के से शुरू होता है। अच्छा, और वो क्यूट सी है। ओ, आंखें ऐसी है जैसे इंस्टाग्राम का परमानेंट फिल्टर लगाया हो किसी ने। देख रहे हो, ये है मॉडर्न फ्लर्ट। आंखें ऐसी हैं जैसे इंस्टाग्राम का परमानेंट फिल्टर लगाया हो किसी ने। ओए होए, और क्या है? तुम्हें पता है फूल क्या है? फ्लावर? हाँ हाँ फ्लावर, फूल तो फ्लावर ही होता है। उसका हंसना जैसे फूल। ओ,
इतनी सुंदर है? बताता हूँ, और भी कुछ है? मधुर क्या है? नो आइडिया। उसकी आवाज, शी मस्ट बी समवन रियली अमेजिंग। हाँ, मिलवाऊं तो मैं उससे। अब देखना कैसे मैं प्यारा सा फ्लर्ट कर रहा हूँ, एकदम पोइट्री टाइप में फ्लर्ट कर रहा हूँ, कितने शायराना अंदाज में फ्लर्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा कि हाँ, मिलवाऊं तो मैं उससे। इसने बोला कैसे? रिकॉर्डिंग के जस्ट लेफ्ट साइड में एक बटन है, उसे क्लिक करो। अब तुम्हें भी समझ आ गया होगा, और ये तो समझ ही गई। इसने बोला, यार यू आर डूइंग इट इंटेंशनली। मैंने कहा था इतना खूबसूरत होने को? तुम भी ना यार, मैं गर्लफ्रेंड थोड़ी हूँ तुम्हारी कोई। कितना फ्लर्ट करते हो? अब यहाँ फ्लर्ट सक्सेसफुल हो रहा है, इसलिए मैं इससे बार बार मीठी बातें कर रहा हूँ। पर मीठी बातों में भी कुछ देर बाद स्टॉप लगाना होता है, वरना ज्यादा मीठा जो होता है वो कभी कभार कड़वा भी बन जाता है। अब मैं इसे बोलता हूँ कि गर्लफ्रेंड होने का पहला साइन पता है क्या होता है? इसने बोला, क्या? मानना ना कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। और मैंने इमोजी बना दी है, कुछ भी। अब कह रही कि वी हार्डली नो ईच अदर, मीठी मीठी बातें कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि मिश्री को मेरी बातें मीठी लग रही हैं। चमत्कार, बस करो यार, प्रो हो तुम तो। कहाँ से सीखा ये सब? यू आर माई इंस्पिरेशन माई लॉर्ड। पक्का दो तीन गर्लफ्रेंड होंगी तुम्हारी। आई नो आई एम हैंडसम, बट वेरी रेयर फीमेल अट्रैक्ट्स मी लाइक यू डिड। अच्छा, फोन पे अट्रैक्ट हो गए? इश्क में कभी कभी कोई वजह नहीं होती, जो होता है बेवजह। ओए होए, डायलॉग। डिनर करके बात करती हूँ, मेरी माँ डांट रही है मुझे। मुझसे बात करा दो आंटी की, समझा दूंगा मेरी बेगम पर जुल्म ना ढाया करें। बेगम, भागो यहाँ से। देख लो, अब देखो शायरी दोबारा, कि देख लो, ढूंढने से ना मिलेगा हमसा इस जमाने में, तुम औरों को कहोगे मुझे उसकी तरह चाहो। अब मैसेज कह रही है पिटवा दो, तो मैंने कहा कि अच्छा चलो जाओ, बाय कह रही है। और भाई दिल बना रही है। अब देखो उसके बाद मैंने इसे दोबारा मैसेज कैसे किया है। मैंने तो बोला, हे हनी, आई एम गोइंग समवेयर, विल टॉक टू यू टुमारो, मिस मी बाय। मैं कहीं जा रहा था तो इससे बात नहीं कर पा रहा था, तो मैंने इसे मैसेज डाल दिया इसे। इसने बोला कि गर्लफ्रेंड हूँ मैं, हनी के बच्चे, चलो बाय पागल। तो मैंने इस पर इमोजी बना दिया और फिर कोई रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैं बाहर था, मैं बिजी था। लड़की को बिजी दिखाना होता है, अगर तुम बिजी हो तो जस्ट से कि भाई मैं बिजी हूँ, मैं बात नहीं कर पाऊंगा, थोड़े फन तरीके में, थोड़े कैजुअल तरीके में। फिर अगले दिन मैंने इसे मैसेज किया और मैंने बोला, हेलो किटी। इसने बोला, गुड मॉर्निंग। 12:30 बज रहे हैं मैडम, तो क्या हो गया, दिन तो निकल रहा है ना? उम्दा, बहुत खूब। उसके बाद रिएक्शन बना रही है। और मैंने इसे बोला कि और बताओ किस तरह के निवाले की है आज खुशकिस्मती, जिसको आपके होठों से छू कर जाने का मौका मिला है। हैं, देखा मेरा टैलेंट? अब कह रही कि मतलब समझाने को बोल रही है लाइन का, मतलब क्या खाया है? देख रहे हो कितना घुमा फिरा के मैसेज किया गया है, थोड़ा क्रिएटिविटी आनी चाहिए। मतलब ये बहुत ज्यादा अच्छे मैसेज भी नहीं होते, बट कुछ डिफरेंट है, समथिंग डिफरेंट। इट्स एन एफर्ट। लड़की को लगेगा कि भाई तुम एफर्ट लगा रहे हो, तुम क्रिएटिव हो, तुम बाकी लोगों की तरह सेम नहीं हो, तुम्हारे पास कुछ है बोलने के लिए, तुम्हें बातों को घुमाना आता है। तुम देखोगे ना, लड़कियां घंटों बात करती हैं पर कुछ भी काम की बात नहीं करती, तो जस्ट ऊट पटांग कुछ भी बोलोगे ना। लड़कियों को उलझाना होता है बातों में। एक बार लड़की तुम्हारी बातों में उलझ गई, तुमसे बात करना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद कोई ऑप्शन है ही नहीं उसके पास वापस जाने का। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे पूरा यकीन है आपके पास और भी हिडन टैलेंट होंगे। मेरी बात का रिप्लाई करते हुए कह रही है, ये क्या वे है पूछने का, टैलेंट टैलेंट करते रहो, कुछ नहीं है मेरे पास। इसने बोला कि ये क्या वे है पूछने का। मैंने बोला, इज्जत तुम्हारे पास हम है किटी जी, कुछ भी। यार थक गई, आज काम वाली भी नहीं आई, सारा काम खुद करना पड़ेगा। ओ हो फूल कुमारी जी, आज तो डबल मेहनत लग गई, परफेक्ट वाइफ मटेरियल। अब लड़की अगर तुम्हें अपना दिनचर्या बताने लग जाए, तो लड़की है पूरा पूरा तुम्हारे काबू में। थोड़ी बहुत बात कंटिन्यू करके, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना के, लड़की के दिमाग में कैसे अपने लिए प्यार के इंटेंशन डालने हैं, ये सब कुछ मेरे चैनल पे है। इस लड़की से आगे मेरी कॉल रिकॉर्डिंग पे बात हुई है, अगर पॉसिबल होगा तो मैं जरूर वो वीडियो डालूंगा। फर्स्ट पार्ट तुमने वीडियो का देख लिया होगा कि फर्स्ट पार्ट क्या है। बाकी मेरी मास्क वाली वीडियोस भी देखो, वो बहुत कमाल की हैं। आज की वीडियो के लिए तो इतना ही, नई वीडियोस ला रहा हूँ बहुत कमाल कमाल की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अलविदा मेरे दोस्तों।